सो एक मिस्टेक जो कॉलेज के दौरान आपको कभी नहीं करना चाहिए, एंड दैट मिस्टेक इज प्रोजेक्ट का जो आप चयन करते हो ना, इसका बहुत सोच समझ के करना चाहिए। देखो एक चीज़ होता है, जब आप कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हो, चाहे माइनर प्रोजेक्ट हो या मेजर प्रोजेक्ट हो, इसमें 0% डाउट है कि आप उसको अपने रेज्यूमे में लिखोगे ही लिखोगे। 100% गारंटी है इसकी कि आप इसको अपने रेज्यूमे में नोट करोगे। और जब HR, जब आपका इंटरव्यू का टाइम आता है, HR सबसे पहले आपका रेज्यूमे देखता है और रेज्यूमे में प्रोजेक्ट वाला पोर्शन देखता है, क्योंकि के पास मल्टीपल रेज्यूमे होते हैं जिनमें वो मल्टीपल जो आप टेक्नोलॉजी स्टैक लिखते हो, क्या क्या चीज़ों का नॉलेज है आपको, वो मल्टीपल चे है। लेकिन एक चीज़ जैसे देखो, पाइथन, जावा, C++, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको आती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, तो सबने लिख रखी है। तो HR चाहेगा ना कि कुछ यूनिक चीज़ निकले जिससे कि वो आपको आइडेंटिफाई कर सके, आपको फिल्टराइजेशन कर सके। तो वो दैट इज आपका प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के सिनेरियो में जब वो बात करता है ना, तो वो देखता है कि आपका सबसे हाईली स्किल वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट जिसमें आपने हद से ज़्यादा टाइम लगाया हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। क्योंकि ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट हम तभी बनाते हैं जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम आता है, और वो चेक करता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितना है। हम प्रोजेक्ट तो कॉपी करते ही नहीं, ज़्यादा टाइम में ये होता है कि हम प्रोजेक्ट टीम बना करके रेडी करते हैं, उसमें हमें चैलेंजेस आते हैं। प्रोजेक्ट का जब टाइम आएगा, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, तो हाईली चांसेस हैं आपके हायर होने का कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होगा, उसमें कितना अच्छा आप रॉक करते हो। जब आप बताते हो कि आपने प्रोजेक्ट में आपका रोल ये था और ये चीज़ें आपने की है, इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था, आपको क्या चैलेंजेस आई जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे थे। तो मेक श्योर कि आप जो कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, आप ऐसा फेस निकाल लें कि आप बता सको कि ये चैलेंजेस हमारे लिए काफ़ी बड़ा था, हमें नहीं मालूम था कि क्या करना है, काफ़ी समय लगाया, काफ़ी रिसर्च करी हमने और उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। उसके साथ साथ जब आप प्रोजेक्ट का चूज कर रहे हो, माइनर हो या मेजर हो, आप दोनों को रेज्यूमे में नोट करने वाले, तो मेक श्योर कि जब भी इसका चूज करते हो ना, तो इसका ख्याल रखिए आप कि एक इनोवेटिव होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। कम से कम एक छोटी मोटी, देखो रियल वर्ल्ड में आए या ना आए डजंट मैटर, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होनी चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए अगर ये वाकई में एक प्रॉब्लम है जिसको इस सॉफ्टवेयर या इस लॉजिक की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। और इस चीज़ का ख्याल रखोगे और थोड़ा सा सोचने में ज़्यादा टाइम लगाओगे, तो आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट का आइडिया मिल जाएगा। और शायद प्रोजेक्ट का आइडिया मिलने के बाद जब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे, टीम बनाओगे, कोशिश करिए कि आपको टीम लीडर बनना है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, हो सकता है ये साल दो साल के बाद आपको इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़े, पर अभी से आपको ख्याल रखना है इस चीज़ का। जब आप बोलोगे कि आप लीडर थे, आपने ये चीज़ें की है, ऐसा ऐसा मैनेजमेंट कराया, ये चीज़ें कुछ की है, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू के दौरान, हाईली चांसेस हैं आपके जॉब लगने के। इस ये तो हुई आपके प्रोजेक्ट का कौन सा चूज करोगे आप। द नेक्स्ट थिंग इज कि जब प्रोजेक्ट बनाओ, माइनर प्रोजेक्ट हो या मेजर प्रोजेक्ट हो, स्टार्ट करो तो लास्ट भी करो उसको। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि प्लानिंग तो बहुत लंबी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते। दैट इज़ द रॉन्ग वे। जब आप प्लानिंग करो तो उसको वहाँ तक पहुँचाओ, चुना हो जाए, फिर उसको पूरा करिए। बहुत से लोग को लगता है यार माइंड हल्का हो गया, प्रोजेक्ट सबमिट हो गए, यार ऐसा नहीं करना। आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको आना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा पोजीशन मिल सकता है। अदरवाइज आपको वही मिलेगा जो लोगों को मिलता आया है, राइट? तो आपको एक साल फिर बाद में प्रिपरेशन वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा मैटर करता है कि आप प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करो तो पूरा करो, ताकि जब इंटरव्यूअर उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको एलिब्रेट करने बोले, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना रुके आप बोल पाओ। तो यार इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए, रेज्यूमे बिल्डिंग अच्छे से करिए। एक टिप दूँ, अपने रेज्यूमे ना 3 से 4 रेज्यूमे बनाइए, उसकी कोई एक फॉन्ट में नहीं, एक डिज़ाइन में नहीं, अलग अलग डिज़ाइन में, एक दो में अपना फोटो भी लगा दीजिए थोड़ी सी, और एक दो में नहीं लगाइए। तो 3 या 4 रेज्यूमे बनाइए, और जब आप कोई कंपनी का डिस्क्रिप्शन लिखते हो ना, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी चीज़ है वो उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के आपके रेज्यूमे में होनी ही चाहिए। मतलब अगर वो पाइथन का खोज रहे हैं तो पाइथन आपके रेज्यूमे में होना चाहिए। अगर उसमें जावा भी है और आपको जावा नहीं आता है, बहुत अच्छा टिप दे रहा हूँ, तो आप उसमें कोई ऐसे प्रोजेक्ट जिसको आप जावा से रिलेट कर पाओ, और जावा कहीं ना कहीं मेंशन होनी चाहिए। आज के टाइम में रोबोट चेक करता है तो वो 1 सेकंड नहीं लगता उसको फिल्टर आउट करने, कोई आदमी के पास टाइम नहीं होता उतना हजारों रेज्यूमे पढ़ने का। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, कीवर्ड बोलते हैं तो कीवर्ड का थोड़ा सा ख्याल रखिए। तो यार आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।